Welcome everyone, good morning. Welcome to Unacademy. Let's crack GATE and engineering services with India's largest online learning platform. I'm Shardul Singh, a graduate in civil engineering and a postgraduate in water resource engineering. I'm having a teaching experience of more than 9 years for GATE engineering services and SSC JEE examination. Till now, I have mentored more than 20,000 students across India and have been working as a freelance faculty over various reputed institutes in India. अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में बात की जाए तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने पर आपको जाना होगा गेट और ईएससी के सेक्शन पे, जहां पे सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स में आपको दो सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन मिल जाएंगे, प्लस और आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि एक बेसिक सब्सक्रिप्शन प्लान है, इसमें आप 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं एंड किसी भी सब्सक्रिप्शन के परचेज पर आप 10% का एडिशनल डिस्काउंट ले पाएंगे अगर आप मेरा प्रोमो कोड Shardul10 यूज करें। ठीक उसी प्रकार आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी आप 12 मंथ और 24 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस पे जा सकते हैं और इन सब्सक्रिप्शन के परचेज पर भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा प्रोमो कोड Shardul10 यूज करके। फायदे की बात की जाए तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट होंगे, जिनकी डेली लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। कोर्सेज सारे आपको स्ट्रक्चर पैटर्न में मिलेंगे और रेगुलर लाइव टेस्ट और क्विज सेशंस मिलते रहेंगे, जिनके बेस पे आप अपनी तैयारियों का एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन के थे। कुछ एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पर आपको और मिलेंगे, जैसे पर्सनल मेंटर आपको मिलेंगे, असाइन होंगे जो कि आपको पर्सनली गाइड करेंगे आपकी तैयारियों के लिए, स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाएगा एज वेल एज स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल होगा। अनअकैडमी कॉम्बैट आज स्लॉटेड था सुबह 11 बजे से, होप सो कि आप इसमें अपीयर हुए होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी सिविल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सो दैट आपको मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री क्लासेस के लिए आप मेरा प्रोमो कोड Shardul10 यूज कर सकते हैं और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। सो गुड आफ्टरनून, जब से गुड आफ्टरनून हो गया, 12 बज चुका है, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 के कुछ क्वेश्चंस जो कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स में से पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको सॉइल और वाटर रिसोर्स के गेट ईएससी 2020 के सवाल करवाए थे, आज हम लोग ईएससी 2019 के सॉइल और वाटर रिसोर्स के सवाल करेंगे। टोटल 17 क्वेश्चंस हैं विच वे आस्क्ड इन 2019 फ्रॉम सॉइल एंड वाटर रिसोर्स, उन्हीं सवाल को देखते हैं और समझते हैं। मोर और लेस वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस ही हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। तो पहला सवाल इरिगेशन या हाइड्रोलॉजी से आप बोल सकते हैं, इट इज फ्रॉम हाइड्रोलॉजी, बोल रहा है इन द इंटेंसिटी ड्यूरेशन एनालिसिस बाय गिवन बाय शर्मन ने दिया था ना इंटेंसिटी ड्यूरेशन एनालिसिस, तो इनके हिसाब से द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये तो सबको याद ही होगा फॉर्मूला, द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल एज पर द शर्मन वॉज रिप्रेजेंटेड बाय ए अपॉन b plus t raised to power n, where a, b and n are constant, और ये जब आप regression analysis करोगे तो वहां से आपको a, b और n की value मिल जाती है। सीधा simple सा formula है, ये तो याद ही रखना है। although इसके बारे में detail की बात मैं आज के session में करूंगा, मेरे hydrology के session में, क्योंकि आज का जो session आपका hydrology का रहेगा रात के 8 बजे वाला, उसमें यही सब बातें करनी है। DAD एनालिसिस की बात करेंगे, हाइटोग्राफ क्या होता है उसकी बात करेंगे, इंटेंसिटी ड्यूरेशन एनालिसिस, इन सब की बातें आज हम लोग करेंगे हमारे हाइड्रोलॉजी के सेशन में। बट ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, दैट इज ए अपॉन बी प्लस टी रेस्ट पार एन इज द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल गिवन बाय शर्मन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, आई और टी, आई इज द इंटेंसिटी एंड टी इज द ड्यूरेशन, आई इज नथिंग बट इट इज द इंटेंसिटी एंड टी is your duration. Next बोल रहा है, which of the following points should be kept in mind while selecting a site for the rain gauge station? Rain gauge station की site select करने के लिए इनमें से कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? ये बातें सारी मैंने आपको बताई हुई हैं, पूरे points मैंने लिखाए थे कि what are the different criteria for the selection of the rain gauge station? भाई आसपास कोई भी obstruction नहीं होना चाहिए and the nearest obstruction, अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है आपके रेन गेज स्टेशन के आसपास, सपोज करिए ये वो ऑब्स्ट्रक्शन है एंड दिस इज योर रेन गेज स्टेशन, इस ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट सपोज करिए h के बराबर है, द हाइट ऑफ दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज h,
मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी हाइट बिटवीन दी ऑब्स्ट्रक्शन एंड द रेन गेज स्टेशन शुड बी मैक्सिमम ऑफ 2 h या फिर 30 मीटर, इनमें से जो भी ज्यादा होगा दैट विल बी द पोजिशन। तो आंसर विल बी डी। गुड आफ्टरनून गीता, गुड आफ्टरनून। तो द आंसर विल बी डी। द डिस्टेंस बिटवीन द रेन गेज एंड द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई जो भी ऑब्स्ट्रक्शन नियरेस्ट मौजूद है वहां पर उसकी हाइट के दुगना दूरी पर होना चाहिए आपका रेन गेज स्टेशन। द वॉल्यूम ऑफ द वॉटर बिलो द मिनिमम पूल लेवल इन द रिजर्वायर इज नोन एज। रिजर्वायर के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आप पढ़ते हैं। जैसे सपोज करिए दिस इज माई रिजर्वायर, ये मेरा एक रिजर्वायर है। सपोज करिए दिस इज अ रिजर्वायर, मतलब एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, उसके पीछे आपका ये रिजर्वायर है। इसके ऊपर मैंने गेट लगा रखा है, स्पिलवे के गेट्स हैं। सपोज करिए दिस इज द स्पिलवे गेट। दिस इज द स्पिलवे गेट। तो भाई अलग अलग लेवल हम यहां पर पढ़ते थे, देखिएगा कौन कौन से लेवल की बात होगी। यहां पर रिजर्वायर के अलग अलग लेवल आप पढ़ते थे। देखिए भाई होता क्या है कि रिजर्वायर में जो पानी है दैट इज ऑलमोस्ट एट अ रेस्ट स्टेट, ऑलमोस्ट स्टिल स्टेट में रहता है। मतलब क्या होगा भाई, रिजर्वायर का पानी कहाँ से मिला है? कहीं ना कहीं नदी का ही पानी है, किसी बड़ी सी वाटर बॉडी का पानी है। वो अपने साथ सिल्ट को कैरी करके लाता है ये पानी। भाई नदी के पानी में सिल्ट होती है विच इज इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, वो सस्पेंड रहती है और पानी के साथ फ्लो करती रहती है। लेकिन जब किसी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के पीछे का जो रिजर्वायर है, यहां पर जब ये पानी आता है तो पानी ऑलमोस्ट रेस्ट की कंडीशन में हो जाता है, और पानी जब रेस्ट की कंडीशन में हो जाता है तो यहां पर सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हो सकता है। सेडिमेंटेशन का प्रोसेस जब होगा तो इस रिजर्वायर के पानी में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा होगी, वो बाय द वर्च्यू ऑफ देयर वेट नीचे की तरफ सेटल डाउन करना चालू कर देंगे। और रिजर्वायर का एक पर्टिकुलर डेप्थ में सिल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन में आ जाता है, वो पोर्शन ये सबसे नीचे वाला पोर्शन है। क्या बोलते हैं इसको, व्हाट दिस पोर्शन इज नोन एज। डिफरेंट वाटर लेवल क्या होते हैं भाई, ये कहलाता है आपका डेड स्टोरेज। मतलब पानी तो कहलाएगा, इस लेवल पे अगर पानी पहुंच चुका तो पानी तो है, लेकिन इस पानी का आप यूज नहीं कर सकते हैं। एंड दिस मैक इसका जो टॉप मोस्ट लेवल है दैट इज नोन एज मिनिमम पूल लेवल। इसको मिनिमम पूल लेवल कहते हैं हम, और इसका जो टॉप मोस्ट लेवल है यहां पर दैट इज नोन एज द मैक्सिमम पूल। सॉरी ये थोड़ी होगा मैक्सिमम पूल, एक मिनट एक मिनट, ये मिनिमम पूल लेवल है। यहां से यहां तक का जो पानी होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द यूजफुल स्टोरेज, ये यूजफुल स्टोरेज कहलाएगा। और ये जो आपने गेट लगा रखा है भाई, पानी तो यहां तक जा सकता है ना, तो दिस इज योर सरचार्ज। एक्स्ट्रा पानी जो है दिस इज योर सरचार्ज स्टोरेज, एंड द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ दिस इज नोन एज मैक्सिमम पूल लेवल। दिस इज नोन एज मैक्सिमम पूल लेवल। तो भाई क्या पूछा, द वॉल्यूम ऑफ द वॉटर बिलो द मिनिमम पूल लेवल इन द रिजर्वायर इज नोन एज, मिनिमम पूल लेवल का पानी के नीचे का पानी क्या कहलाएगा भैया, इट विल बी नोन एज डेड स्टोरेज। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच द वॉटर इज ड्रॉन द फ्लो इरीगेशन कैन बी डिवाइडेड इन टू। फ्लो इरीगेशन को कितनी कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो? भाई फ्लो इरीगेशन का मतलब क्या है, पानी का वो एप्लीकेशन, पानी को फील्ड तक पहुंचाना है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, यही तो होता है फ्लो इरीगेशन। वॉटर रीचेस टू द लैंड मतलब फील्ड अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू जा रहा है। अब ग्रेविटी के थ्रू जा रहा है तो भैया कौन कौन सा तरीके हो सकते हैं, रिवर कैनाल इरीगेशन इट कैन बी डन, रिजर्वायर कहीं पर पानी स्टोर करके रखा है, किसी टैंक में पानी स्टोर करके रखा है, उस पानी को आप फील्ड तक पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, पॉसिबल है। कंबाइंड स्टोरेज एंड डायवर्जन इरीगेशन इट इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन लिफ्ट इरीगेशन फ्लो इरीगेशन में नहीं आएगा क्योंकि पहले आपको पानी उठाना पड़ेगा जमीन के अंदर से, दैट विल बी अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द फ्लो इरीगेशन। सो द ऑप्शन विल बी 1, 2 एंड 4, दैट इज बी ऑप्शन।
फील्ड तक पानी ग्राविटी के थ्रू पहुंचाना, तो भैया लिफ्ट इरिगेशन में तो आप अगेंस्ट द ग्राविटी पानी को ऊपर ला रहे हो। ट्यूबवेल हो सकता है, हैंडपंप हो सकते हैं, बोरवेल हो सकते हैं, दिस आर द टाइप्स ऑफ लिफ्ट इरिगेशन। ये बताएं भाई, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। रूट जोन डेप्थ दे रखी है, एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट दे रखा है सॉइल के अंदर का, ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल दे रखा है आपको, वाटर अप्लाइड टू द सॉइल दे रखा है 500 मीटर क्यूब, वाटर लॉस ड्यू टू द एवेपोरेशन एंड डीप परकोलेशन 10%, एरिया ऑफ द प्लॉट 1000 मीटर स्क्वायर। आपको फील्ड कैपेसिटी बतानी है, यू हैव टू फाइंड आउट द फील्ड कैपेसिटी। एक न्यूमेरिकल था ये, और ये बहुत कॉमन न्यूमेरिकल है। गेट में भी अगर इरिगेशन में से कभी कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो जनरली दो ही टाइप के होते हैं, आइदर इट विल बी आस्क्ड फ्रॉम द योर क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूटी डेल्टा से, या फिर ये द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डेप्थ दैट इज फील्ड कैपेसिटी वगैरह से रिलेटेड सवाल। तो भाई ये बोल रहा है रूट जोन डेप्थ आपकी है 2 मीटर की, अभी फिलहाल में सॉइल का जो वाटर कंटेंट है वो 5% का है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे रखी है, वाटर अप्लाइड टू द सॉइल 500 मीटर क्यूब का पानी आपने अप्लाई किया जिसमें से 10% का पानी तो एवोपोरेशन और बाकी सभी तरीके के लॉसेस में खत्म हो चुका है। जो आपका प्लॉट साइज है, मतलब जो फील्ड है आपका 1000 मीटर स्क्वायर का है, तो आपको बताना है व्हाट विल बी दी फील्ड कैपेसिटी। भाई याद करिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, इनफैक्ट डिराइव भी किया है आप लोगों ने इरिगेशन में, डेप्थ ऑफ द वाटर अप्लाइड इज इक्वल टू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट माइनस एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट। इस फॉर्मूले को तो डिराइव भी करते हैं हम लोग जब इरिगेशन पढ़ते थे, तो डेप्थ ऑफ द वाटर अप्लाइड, डी डब्ल्यू इज द डेप्थ ऑफ द वाटर अप्लाइड, गामा डी यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ द वाटर, स्मॉल डी जो आपको दिख रहा है दैट इज द डेप्थ ऑफ द रूट जोन, एफ सी इज द फील्ड कैपेसिटी एंड एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट। ये एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है। अब जरा देखिए आपने कितना पानी अप्लाई किया है। यहां पर बोल रहा है द वाटर अप्लाइड टू द सॉइल इज 500 मीटर क्यूब, 500 मीटर क्यूब का पानी आपने अप्लाई किया है जिसमें से 10% का पानी तो लॉस में चला गया, तो नेट वाटर अप्लाइड कितना हो गया, नेट वॉल्यूम ऑफ अप्लाइड वाटर, नेट वॉल्यूम ऑफ अप्लाइड वाटर विल बी इक्वल टू 500, और 10% लॉस में चला गया मतलब 50 मीटर क्यूब का पानी लॉस में चला गया है, सो नेट वॉल्यूम ऑफ द वाटर अप्लाइड विल बी 450 मीटर क्यूब। बताओ भाई नेट वॉल्यूम ऑफ द वाटर अप्लाइड विल बी इक्वल टू 450 मीटर क्यूब। 500 मीटर क्यूब का टोटल पानी आपने अप्लाई किया था जिसमें से 10% लॉस में चला गया है, मतलब 50 मीटर क्यूब का पानी तो लॉस में चला गया है, तो इफेक्टिव वॉल्यूम कितना आपने अप्लाई किया है, 400 मीटर क्यूब का पानी अप्लाई किया है, कितने एरिया में अप्लाई किया है, 1000 मीटर स्क्वायर के एरिया में। तो क्या मैं यहां पर डेप्थ ऑफ द वॉटर अप्लाइड निकाल सकता हूं, डेप्थ ऑफ वॉटर अप्लाइड कितना वॉल्यूम अप्लाई किया था, 500 मीटर क्यूब का, 450 मीटर क्यूब का पानी कितने एरिया में अप्लाई किया था भाई, 1000 मीटर स्क्वायर के एरिया में, सो व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ द वॉटर अप्लाइड, दैट विल बी 0.45 मीटर। ये आ गया आपके पास डी डब्ल्यू की वैल्यू, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू दैट इज द डेप्थ ऑफ द वॉटर अप्लाइड। खत्म हो गई कहानी इस क्वेश्चन की भी, डेप्थ ऑफ द वॉटर अप्लाइड 0.45 इज इक्वल टू गामा डी आपको दे रखा है 15, गामा डब्ल्यू 9.81 होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर तो रहेगा नहीं भाई, इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा में कैलकुलेटर तो रहेगा नहीं, तो इसको मैं 10 मान ले रहा हूं, इंटू डी, डी इज वॉट दैट इज द डेप्थ ऑफ द रूट जोन कितना है भाई 2 मीटर, इंटू फील्ड कैपेसिटी निकालना है, एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट कितना है 5% मतलब 0.05, सॉल्व कर दीजिए यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फील्ड कैपेसिटी, आपको फील्ड कैपेसिटी मिल जाएगा, कितना हो जाएगा भाई देखो 10 यहां गया तो ये हो गया 4.5, सॉल्व कर ही लेते हैं ना, 10 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 4.5, 4.5 अपॉन 30 है ना, ये वैल्यू हो जाएगी 4.5 डिवाइडेड बाय 15 × 2 डेट इज 30 इज इक्वल टू एफ सी माइनस 0.05 है ना, तो 4.5 अपॉन 30 कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 7.5, 4.5 अपॉन 30, 30 डिवाइडेड बाय 4.5, दैट इज 6.66, सॉरी 1 अपॉन 6.66, या पूरा ऐसे मत सॉल्व करो यार, 4.5 अपॉन 30 प्लस 0.05 विल बी इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी। 4.5 प्लस 30 प्लस 0.05 विल बी इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी। 30 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो 13 पंजे होता है 150, 150 और कितना हो जाएगा 1.5, 4.5 प्लस 1.5, 0.05 × 30 1.5, तो 4.5 प्लस 1.5 हो जाएगा 6/30 इज इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी, 1/5 इज इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी। क्या आ जाएगा आंसर? 1/5 गलत आ रहा कुछ? नहीं, 1/5 आ तो गया सही। 1/5 मतलब कितना हो गया? 20% ना, 20% इज द फील्ड कैपेसिटी, आंसर विल बी डी। थोड़ा सा अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने गामा डब्ल्यू को 9.81 की जगह पे 10 ले लिया था। क्लियर भाई? चलिए, कंसीडर द डेटा फॉर द इरिगेशन वाटर। कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम आयन दे रखा है 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम आयन इज 3.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कंसंट्रेशन ऑफ द मैग्नीशियम आयन इज 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आपको बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस ए आर, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या होता है भाई? व्हाट इज सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, एस ए आर? एस ए आर हम लोग पढ़ते हैं, डेट इज सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। भाई सीधा सिंपल सा ये मतलब है, जब आप पीने के पानी की क्वालिटी टेस्ट करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर का भी तो क्वालिटी टेस्ट करते हो ना आप। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हमने यही तो पढ़ा है पूरा, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में पीने वाले पानी के साथ जो डोमेस्टिक यूज में पानी आता है उसके साथ उसको यूज करने से पहले कई प्रकार के ट्रीटमेंट किए जाते हैं, सॉरी हमने पढ़ा हुआ है ये चीज। तो भाई जो पानी आप पेड़ पौधों को पहुंचा रहे हो, जो पानी आप इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हो, उस पानी का भी तो क्वालिटी टेस्ट करना चाहिए भाई। पेड़ पौधे भी तो आपके लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो पेड़ पौधों के लिए जो आप पानी यूज कर रहे हो उस पानी का भी आपको कहीं ना कहीं पे क्वालिटी टेस्ट करना पड़ता है। एंड द क्वालिटी टेस्ट में आप क्या पैरामीटर मेजर करते हो यहाँ पर? जो पैरामीटर आप मेजर करते हो यहाँ पर, दैट इज नथिंग बट दैट इज द एसएआर, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो आप पता करते हो। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू के हिसाब से आप बताते हो कि जो पानी आपका है दैट इज एक्चुअली फिट फॉर द यूज और नॉट, पानी इरिगेशन के लिए यूज में लिया भी जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, उसके लिए सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का? जस्ट वेट अ मिनट, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या है भाई? देखिए, एस ए आर, व्हाट इज एस ए आर? एस ए आर इज इक्वल टू सोडियम आयन्स का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मैग्नीशियम आयन का कंसेंट्रेशन प्लस कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस ए आर। सारी कुछ चीजें तो आपको दे रखी हैं। सोडियम का कंसेंट्रेशन कितना भैया? 24 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मैग्नीशियम का कंसेंट्रेशन 2, कैल्शियम का कंसेंट्रेशन 3.6 डिवाइडेड बाय 2। तो 3.6 + 2 हो गया 5.6, 5.6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2.8, तो ये बन गया आपके पास 24 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2.8। इसको सॉल्व कर लीजिए, यूल गेट द वैल्यू ऑफ एस ए आर, आपको एस ए आर की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आ रही है मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, 24 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2.8 दैट इज 14.34, तो एस ए आर इज कमिंग आउट टू बी 14.34, द आंसर विल बी योर बी ऑप्शन। ये आ जाएगी आपके पास एस ए आर की वैल्यू। एस ए आर की वैल्यू क्या सिग्निफाई करती है भाई? अगर आपके पानी के एस ए आर की वैल्यू 0 से 10 के बीच है, 10 से 18 के बीच है, 18 से 26 के बीच है और 26 से ज्यादा, ये क्लासिफिकेशन होता है। अगर एस ए आर की वैल्यू 0 से 10 के बीच में है तो दिस इज एक्सीलेंट फॉर यूज, कोई दिक्कत नहीं है, बेधड़क यूज करिए। 10 से 18 के बीच में एस ए आर आता है तो इट कैन बी यूज्ड,
इट कैन बी यूज्ड विथ प्रॉपर या विथ मॉडरेट लीचिंग। थोड़ी बहुत लीचिंग करनी पड़ेगी, आप यूज कर सकते हैं। 18 से 26 है, इट कैन बी यूज्ड विथ इंटेंस लीचिंग, बहुत ज्यादा लीचिंग करनी पड़ेगी आपको। और 26 से ज्यादा है तो दूर से टाटा बाय बाय, इट कैन नॉट बी यूज्ड। इस पानी को यूज नहीं कर सकते हैं यार, जो ये पानी सॉइल में जाएगा तो सॉइल को सलाइन बनाएगा, सोडिक बनाएगा। द सॉइल कैनॉट बी यूज फॉर द इरिगेशन पर्पस, फॉर द क्रॉप ग्रोइंग पर्पस, अगर आपकी एस ए आर की वैल्यू 26 से ज्यादा होती है तो। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा वाइल डिजाइनिंग द एक्सपांशन ट्रांजिशन फॉर अ कैनाल यूजिंग मित्रास मेथड। मित्रा और हिंस के दो फॉर्मूले पढ़ते हैं आप लोग चैनल ट्रांजिशन के लिए। चैनल के ट्रांजिशन के लिए दो अप्रोच पढ़ी जाती हैं जनरल में, आपने पढ़ी भी होंगी। चैनल का ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब क्या भैया? विड्थ चेंज हो रही है। अगर चैनल के ट्रांजिशन के लिए दो अप्रोच होती हैं, दैट इज द मित्राज अप्रोच या सेकेंड वन इज योर हिंस ट्रांजिशन अप्रोच। चैनल का ट्रांजिशन मतलब क्या है भाई? ये चैनल था आपका, ठीक है, आगे जाके थोड़ा सा पतला हो गया, तो पतला एकदम से तो होगा नहीं, धीमे धीमे ट्रांजिशन फेज आएगा। जो विड्थ आपकी थी चैनल की वो धीमे धीमे पतली होगी, एकदम से पतला करेंगे तो लॉसेस वगैरह बहुत ज्यादा होंगे, टर्बुलेंस वगैरह बहुत ज्यादा आ सकता है। सो यू हैव टू रिड्यूस द विड्थ या एक्सपांड द विड्थ विद अ प्रॉपर ट्रांजिशन। तो उसी ट्रांजिशन के लिए, उसी ट्रांजिशन के कंसेप्ट के लिए मित्रा की अप्रोच और हिंस की अप्रोच फॉलो की जाती है। तो यहां पर मित्राज अप्रोच से सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है जरा देखिएगा। लेट मी टेक दिस डेटा टू द नेक्स्ट पेज। देखिए भाई, चैनल ट्रांजिशन कैसा दिखेगा मुझे जरा ध्यान से देखिएगा। ये मेरा कोई एक चैनल है विच इज हैविंग सम विड्थ, कुछ विड्थ है इसकी, ठीक है, इसकी विड्थ आगे जाके पतली करनी है मुझे, ये विड्थ करनी है इसकी, और आगे जाके फिर ये वापस से अपनी ओरिजिनल विड्थ पे आ रहा है। तो कैसे करेंगे भाई? यहां पर आप देते हैं ट्रांजिशन, दिस इज योर ट्रांजिशन पोर्शन, ये आपका होता था ट्रांजिशन पोर्शन। ऐसे ही ना पढ़ते थे? ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है दैट इज योर ट्रांजिशन पोर्शन, ब्लैक कलर वाला जो है दैट इज द ओरिजिनल विड्थ, और जो बीच वाला लाल कलर से दिख रहा है दैट इज एक्चुअली योर फ्लूम्ड पोर्शन। यही तो फ्लूम्ड होता, दिस इज योर लेंथ ऑफ फ्लू, दिस इज योर लेंथ ऑफ फ्लू। चलिए कुछ नाम दे देते हैं इसको, एल एफ बोल देते हैं, लेंथ ऑफ फ्लू। इस फ्लूम्ड पोर्शन की जो विड्थ है इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस से इट एज विड्थ ऑफ फ्लू बी एफ। जो नॉर्मल विड्थ है इसकी वो ये है, चलिए इसको बोल देते हैं बी एन, दैट इज द नॉर्मल विड्थ। इस फ्लूम्ड सेक्शन से, भाई ये फ्लूम्ड सेक्शन कहां से कहां तक दिख रहा है मुझे? ये फ्लूम्ड सेक्शन दिख रहा है मुझे यहां से यहां तक। इस फ्लूम्ड सेक्शन से एक्स मीटर की दूरी पर यहां पे जो विड्थ मुझे दिखी, सपोज करिए उसको मैंने बोल दिया दैट इज बी एक्स। इस फ्लूम्ड सेक्शन से एक्स मीटर की दूरी पर मैंने एक रैंडम विड्थ ले ली बी एक्स, ये बी एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन पोर्शन। और इस बी एक्स को निकालने का फॉर्मूला किसने दिया हुआ था? मित्रा ने दिया है ना फॉर्मूला, ड्राइव किए हो ये फॉर्मूला आप लोग, इरिगेशन में पढ़े थे कि नहीं पढ़े हो भाई? द विड्थ एट एनी सेक्शन एक्स, फ्लूम्ड सेक्शन से एक्स मीटर की दूरी पर कोई सा सेक्शन है, वहां की विड्थ अगर बी एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या लिखते थे भाई? फॉर्मूला बताएं हिंस ट्रांजिशन का, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हिंस ट्रांजिशन? दैट विल बी नॉर्मल विड्थ इंटू फ्लूम्ड विड्थ इंटू लेंथ ऑफ द फ्लूम। ये पूरा फॉर्मूला डिराइव करवाया जाता है बेटा, इरिगेशन इंजीनियरिंग आपने पढ़ा है तो ये फॉर्मूला डिराइव करना सीखे होगे। अब यहां तो मैं डेरिवेशन तो बता नहीं सकता हूं, उसके लिए इरिगेशन अलग से पूरा पढ़ना पड़ेगा हमको, मतलब ये पूरा चैप्टर चैनल ट्रांजिशन का। तो बी एन इंटू बी एफ इंटू एल एफ, बी एन इज द नॉर्मल विड्थ,
बी एफ इज द फ्लूम्ड विड्थ एंड एल एफ इज द लेंथ ऑफ द फ्लूम। ये चारों चीजें हमारे, तीनों चीजें हमारे पास हैं, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करते हो भाई, दैट विल बी बी एन, सॉरी सॉरी बी एन, बी एन इंटू एल एफ माइनस एक्स टाइम्स क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, बी एन माइनस बी एफ। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द चैनल सेक्शन एट एनी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फ्लूम्ड पोर्शन। फ्लूम्ड पोर्शन से एक्स मीटर की दूरी पर अगर कोई सेक्शन है तो उस सेक्शन की विड्थ निकालने का जो तरीका है वो ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला दिया था मित्रा भाई साहब ने, इसलिए ये कहलाता है मित्रास चैनल ट्रांजिशन प्रोसेस या मित्रास चैनल ट्रांजिशन फॉर्मूला। बी एक्स इज इक्वल टू बी एन बी एफ एल एफ अपॉन बी एन इंटू एल एफ माइनस एक्स टाइम बी एन माइनस बी एफ। सारी चीजें आपके पास है, लेंथ ऑफ द फ्ल्यूम दैट इज एल एफ है आपके पास, दिस इज योर एल एफ। विड्थ ऑफ द थ्रोट मतलब फ्लूम सेक्शन की विड्थ दैट इज बी एफ, विड्थ ऑफ द कैनाल दैट इज बी एन। कहां पर पूछा है सवाल में देखिए, एट एक्स इज इक्वल टू 8 एंड एक्स इज इक्वल टू 16। एक बार एक्स बराबर 8 रख दीजिएगा इस फॉर्मूले में और एक बार एक्स बराबर 16 रख दीजिएगा। यू हैव टू फाइंड आउट द विड्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द फ्लूम्ड सेक्शन। आपके पास बी एन की वैल्यू है, बी एफ की वैल्यू है, एल एफ की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू 8 मीटर पे पता करना है और एक्स इज इक्वल टू 16 मीटर पे पता करना है बी एक्स की वैल्यू। यू कैन इजिली डू दिस, कर सकते हैं भाई कि नहीं कर सकते हैं कि बताऊं, चलिए बता देता हूं, पुटअप करिए वैल्यूज। तो बी एक्स निकालना मुझे एट एक्स इज इक्वल टू 8 मीटर, तो बी एन की वैल्यू मेरे पास है 15 इंटू बी एफ की वैल्यू मेरे पास है 9 इंटू एल एफ की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाय बी एन दैट इज 15 इंटू एल एफ दैट इज 16 माइनस एक्स बराबर 8 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, 8 इंटू बी एन माइनस बी एफ दैट इज 15 माइनस 9। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द विड्थ एट 8 मीटर फ्रॉम फ्लूम्ड सेक्शन। सॉल्व कर लीजिए, 59 द 30 135, 135 इनटू 16, न्यूमरेटर आ रहा है 2160 डिवाइडेड बाय 15 इनटू 16, 15 15 होता है 225, 225 प्लस 15 240 हो जाएगा, 240 माइनस 15 माइनस 9 होता है 6, तो 6 इनटू 8 48, 240 माइनस 48 कितना हो गया बिना कैलकुलेटर के करें तो, 15 इनटू 16 कितना होगा भाई, 15 15 द 225 होता है और एक बार 15 और ऐड कर दीजिए 240, और ये कितना हो रहा है 15 माइनस 9 होता है 6, तो 8 इंटू 6 48, 240 में से 48 गया, 40 यहां से गया 8 उस साइड से गया तो बचा 392, तो 2160 डिवाइडेड बाय 392, 92 दैट इज कमिंग आउट टू बी 5.5, कुछ गलत कर दिया मैंने, 15 इंटू 9 इंटू 16 अपॉन 15 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 6 192, सॉरी 392 लिख दिया इसको, 2160 डिवाइडेड बाय 192 दैट इज 11.25, दिस इज योर आंसर। एक्स बराबर 8 मीटर पे जो विड्थ मिलेगी वो 11.25, और एक और पूछा है एक्स बराबर 16 मीटर पे, निकाल लेना 11.25 आ गया, और दूसरे पे निकाल लोगे x बराबर 16 रखोगे तो आंसर आपके पास b आंसर आ जाए। बताइए भाई, क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रोइंस, ग्रोइंस क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं भाई? ग्रोइंस आर द रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर विच आर यूज टू ट्रेन द फ्लो अक्रॉस द सर्टेन कोर्स। किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में रिवर के पानी को प्रॉपर चैनल में बहाने के लिए, प्रॉपर डायरेक्शन में बहाने के लिए ग्रोइंस प्रोवाइड किए जाते हैं। दे आर प्रोवाइडेड इन द ट्रांजिशन डायरेक्शन ऑफ द रिवर,
ये जैसे सपोज करिए आपका रिवर है, तो ग्रोइंग्स यहां पे होंगे ऐसे कुछ। तो दीज आर प्रोवाइडेड टू ट्रेन द फ्लो अलोंग द सर्टेन कोर्स। ये तो सीधा सीधा इसका फंक्शन है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। दीज आर द रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स एक्चुअली। द प्रॉपर्टी ऑफ द क्ले बाय वर्च्यू ऑफ विच दे रीगेन इफ लेफ्ट अलोन फॉर सम टाइम अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेंथ विच वॉज लॉस्ट ड्यू टू रिमोल्डिंग एट अनऑल्टर्ड मॉइस्चर कंटेंट। याद होना चाहिए सबको, दैट इज थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्ले जिसके कारण ये क्ले अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ को वापस से रीगेन करती है अगर उसको बिना किसी डिस्टरबेंस के अकेले में छोड़ दिया जाए, बशर्ते उस सॉइल का वाटर कंटेंट के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी है। जो वाटर कंटेंट था उसी वाटर कंटेंट पे आप सॉइल को अनडिस्टर्ब स्टेट में छोड़ दीजिए, तो वो सॉइल अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ को वापस से रीगेन करने की कोशिश करती है। एंड द प्रॉपर्टी बाय विच द सॉइल ट्राई टू रीगेन इट्स लॉस्ट स्ट्रेंथ इज नोन एज थिक्सोट्रॉपी। ये तो सीधा सिंपल सा डेफिनेशन है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ी होगी ये बात थिक्सोट्रॉपी के बारे में। ये बताएं क्या बोल रहा है ये। द प्लास्टिक लिमिट एंड द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल आर 30% एंड 42% रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू द ड्राई स्टेट इज 35% ऑफ द ड्राई स्टेट। सिमिलरली द परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम द प्लास्टिक लिमिट टू द ड्राई स्टेट इज 22% ऑफ द ड्राई वॉल्यूम। द श्रिंकेज रेशो विल बी। श्रिंकेज रेशो क्या होता है जरा याद करिए। एक कर्व बनाया जाता था, इनफैक्ट ग्राफ बोलिए, कर्व क्या बोल रहे हैं इसको। एक ग्राफ बनता था बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल एंड द वॉटर कंटेंट। सॉइल का कंसिस्टेंसी पढ़े है ना, सॉइल का जब कंसिस्टेंसी पढ़ते थे तो ये ग्राफ बनाते थे। सॉइल की जब कंसिस्टेंसी पढ़ते थे तो ये ग्राफ बनाते थे। क्या होता था भाई, कौन सा पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जरा देखें। दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल। यहां पे कहीं आएगा प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल और यहां पे कहीं आएगा आपका लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। ऐसे ही पढ़ते थे कुछ। अब लिक्विड लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है, चलिए उस वॉल्यूम को भी कुछ नाम दे देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल करस्पॉन्डिंग टू द लिक्विड लिमिट, चलिए वी एल बोल दे रहा हूं मैं। द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल करस्पॉन्डिंग टू प्लास्टिक लिमिट वी पी कह दे रहा हूं, एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल करस्पॉन्डिंग टू द श्रिंकेज लिमिट इज द ड्राई वॉल्यूम। यही पढ़ते थे ऐसा। यहां से एक टर्म डिफाइन होता था श्रिंकेज रेशो। श्रिंकेज रेशो कैसे डिफाइन करते थे, इस ग्राफ के किसी भी दो पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट कर लो, उन दोनों पॉइंट्स पे सॉइल का वॉल्यूम कितना है, उन वॉल्यूम का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द ड्राई वॉल्यूम एंड विद द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग वॉटर कंटेंट। ऐसे पढ़ते थे कुछ श्रिंकेज रेशो। कोई से भी दो रैंडम पॉइंट्स आप चूज कर लीजिए इस ग्राफ पे, उस दो रैंडम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सॉइल का वॉल्यूम और सॉइल का वाटर कंटेंट आप पढ़ सकते हैं। तो द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल एट एनी टू पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ड्राई वॉल्यूम ऑफ द सॉइल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग वॉटर कंटेंट, इसी को तो श्रिंकेज रेशियो कहते थे। अब जरा देखिएगा क्या बोल रहा है ये। द परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू द ड्राई स्टेट इज 35% ऑफ द ड्राई स्टेट। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, वी एल माइनस वी डी इज इक्वल टू 0.35 वी डी। बताओ भाई, वी एल माइनस वी डी इज इक्वल टू 0.35 वी डी। धनंजय साहू बेटा, प्लास्टिक नेचर नहीं होता ना कोर्स ग्रेन सॉइल का, कोर्स ग्रेन सॉइल में प्लास्टिक बिहेवियर नहीं होता है। कंसिस्टेंसी कैसे चेक करोगे आप कोर्स ग्रेन सॉइल की, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए प्लास्टिक बिहेवियर तो चाहिए। वीएल माइनस वीडी हो जाएगा 0.35 वीडी, और उसी प्रकार वीपी माइनस वीडी, सेकेंड लाइन पढ़िए, द परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम प्लास्टिक लिमिट टू द ड्राई स्टेट इज 22% ऑफ द ड्राई वॉल्यूम।
ये बन जाएगा 0.22 VD। तो यहां से VL की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, VL विल बी इक्वल टू 1.35 VD एंड VP विल बी इक्वल टू 1.22 VD। बताओ भाई, VL विल बी 1.35 VD एंड VP विल बी 1.22 VD। श्रिंकेज रेशियो निकालना है मुझे, किसी भी दो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग का वॉल्यूम चेंज, तो वो दो पॉइंट में लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग ले लूं, क्या ही फर्क पड़ेगा भाई? कोई से भी दो रैंडम वॉल्यूम्स ले सकते हो ना आप सॉइल के। तो मैंने लिक्विड लिमिट के करस्पॉन्डिंग का वॉल्यूम और प्लास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग का वॉल्यूम ले लिया। इस वॉल्यूम को मैंने जज किया ऑन द बेसिस ऑफ द ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय WL माइनस WP। ये बन जाएगा फॉर्मूला। VL की वैल्यू मेरे पास आई है 1.35 VD, VP की वैल्यू आई है 1.22 VD डिवाइडेड बाय VD अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, दैट इज 42 एंड 30, 0.42 माइनस 0.30। 1.35 माइनस 1.22 इट विल गिव मी 0.13 डिवाइडेड बाय वीडी से वीडी कैंसिल हो जाएगा और 0.42 माइनस 0.30 दैट इज 0.12, 13/12 दैट इज 1.08 इज द श्रिंकेज रेशियो ऑफ द सॉइल। है ऑप्शन ये 1.1 है ना, मतलब इनटू 100 कर दोगे आप तो सब परसेंटेज में आ जाएंगी चीजें। तो 1.08% हो गया आंसर, 1.08%। तो 1.08 तो नहीं है, 1.1 है, तो द आंसर विल बी 1.1। बताओ भाई, क्लियर? अब देखिए वही का वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम चेंज इन द सॉइल, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम चेंज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम, ये हो गया करस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन वॉटर कंटेंट, क्या कहलाएगा? अब भी तो निकाला हमने, दैट इज श्रिंकेज रेशियो। पढ़ो स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ द गिवन वॉल्यूम चेंज मतलब V1 माइनस V2 expressed as the percentage of dry volume मतलब divided by VD to the corresponding change in the water content मतलब divided by W1 minus W2, that is what? पिछला numerical तो किया हमने इसी से, that is your shrinkage ratio। ये दे दिया आपको shrinkage ratio की value, clear भाई? चलिए, ये बहुत ही common question। The masonry structure is founded on a pervious sand, a factor of safety of 4 is required against boiling, boiling bole to quicksand condition, for the sand porosity is 45% and the specific gravity is 2.65, the maximum permissible hydraulic gradient will be, maximum permissible hydraulic gradient nikalna hai, to pehle to critical hydraulic gradient nikale, that will be g minus 1 upon 1 plus e, e nikalne ke liye aapko porosity de rakhi hai, पोरोसिटी इज 45%, ई बराबर होता है एन अपॉन 1 माइनस एन, तो इट विल बी 0.45 अपॉन 0.55, 45/55 कितना हो जाएगा भाई? 9/11 इट विल बी 9/11। श्याम सिंह क्या बोल रहे हैं सर, ठीक से क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्यों बेटा दिखाई तो देने चाहिए? सभी के साथ प्रॉब्लम आ रहा है क्या क्लैरिटी का? क्लैरिटी का प्रॉब्लम सभी के साथ है क्या भाई? ये क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ जाएगा आपके पास, दैट इज 2.65 माइनस 1 डिवाइडेड बाय
1.81, इट इज 0.91, क्लियर है ना? तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपके पास आ गया 0.91 के बराबर। आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम परमिसेबल कितना होगा, तो भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अपॉन मैक्सिमम परमिसेबल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो आई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आई सी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो इट विल बी 0.91/4। तो 0.91/4 मतलब 23,492.323, इट विल बी 0.23 के बराबर। 91/4, 23 4 92 होता है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 23 आ जाए, मतलब 0.23। यही तो पढ़ते थे भाई, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने का ये तरीका आपको पता ही है। और इस टाइप के तमाम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं अपने सॉइल के सेशन में, पता नहीं कितने क्वेश्चन किए हैं इस टाइप के हम लोग ने। जब हम लोग ने सीपेज एनालिसिस और इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ा था, तो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, द वर्टिकल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट एट अ रेडियल डिस्टेंस आर एंड डेप्थ जेड एज डिटरमाइंड बाय यूजिंग बोसिनेस्क एंड वेस्टरगार्ड वुड बी ऑलमोस्ट सेम फॉर आर बाय जेड के किस रेशो के लिए। भाई ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर में आपने लगाया ये पॉइंट लोड, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर में आपने लगाया ये पॉइंट लोड, ये ग्राउंड लेवल है आपका। ग्राउंड लेवल से जेड मीटर की वर्टिकल दूरी पर और आर मीटर की रेडियल डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। इस स्ट्रेस को कैलकुलेट किया जाता है दो तरीके से, एक थे बोसिनेस्क, उन्होंने अपनी थियरी दी थी, और एक थे वेस्टरगार्ड, उन्होंने अपनी थियरी दी थी। वेस्टरगार्ड की थियरी मेनली उस टाइप की सॉइल के लिए एप्लीकेबल होती है जो होमोजेनस नहीं होती है, मतलब अगर स्ट्रेटिफाइड सॉइल की बात करेंगे तो आप वेस्टरगार्ड की थियरी यूज करते हैं, और अगर होमोजेनस सॉइल होती है तो यू विल यूज दी बोसिनेस्क थियरी। तमाम फिगर्स और ग्राफ मैंने ऑलरेडी आपको बना के बताए थे, इन सब के लिए पूरा डेरिवेशन के सहित बताया था, और ये चीज साफ साफ बताई थी कि बोसिनेस्क और वेस्टरगार्ड ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट देते हैं व्हेन द वैल्यू ऑफ आर बाय जेड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5। ये पूरा डेरिवेशन करके मैंने बताया था कि बोसिनेस्क और वेस्टरगार्ड ऑलमोस्ट सेम वैल्यू देते हैं, कब, जब आर बाय जेड की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.5 के बराबर हो जाती है। आप चाहें तो इसके डेरिवेशन के लिए मेरा सेशन रेफर कर सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, बहुत पुराना नहीं है, 1 या 1.5 महीने पहले ही मैंने पढ़ाई थी ये सारी बातें। बोसिनेस्क और वेस्टरगार्ड नाम डाल दीजिएगा और आगे शार्दुल डाल दीजिएगा, तो आपको इसका पूरा पूरा 2 लेक्चर में मैंने ये पूरा टॉपिक खत्म किया था, तो वहां पर आप ये पूरा एनालिसिस समझ सकते हैं कि बोसिनेस्क की थियरी कैसे क्या डिराइव की जाती है और वेस्टरगार्ड की थियरी के हिसाब से हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्टिकल स्ट्रेस एट एनी डेप्थ जेड। क्योंकि अब यहां पे बेटा ये सब चीजें इतनी ज्यादा नहीं बताई जा सकती हैं यहां पर बैठ के, बिकॉज यहां पर सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं और उन क्वेश्चंस का मैं एक जनरल रिव्यू आपको दे दे रहा हूं कि क्वेश्चन में करना क्या है, लेकिन यहां पर हम लोग डेरिवेशन और कोई सा फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हैं तो उस फॉर्मूले का डेरिवेशन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। सो इफ यू वॉन्ट, तो मेरे सॉइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में ये पूरा थियरी पड़ा हुआ है और ये सारी बातें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ाई है, तो इफ यू वॉन्ट तो यू कैन रेफर टू दैट लेक्चर जहां पे आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट, आई स्ट्रिप फुटिंग 2 मीटर इन विड्थ विथ इट्स बेस एट डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल रेस्ट ऑन द सैचुरेटेड क्ले विथ अ सैचुरेटेड यूनिट वेट एज 20 kN/m³ एंड द कोहेजन इज 40 kN/m². द वॉटर टेबल इज एट 1 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विल बी, और बोल रहा है कि एनसी की वैल्यू 5.14 यूज करें आप। देखिए भाई कहानी क्या है, ये आपकी कोई एक फुटिंग है विच इज रेस्टिंग एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, और इस फुटिंग की विड्थ 2 मीटर है, और वाटर टेबल के बारे में बोल रहा है इज एट 1 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल,
ये रहा आपका वाटर टेबल एट 1 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, मतलब पानी का इफेक्ट तो आएगा। सॉइल कौन सी है? क्ले है। क्ले के लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या पढ़ते थे? भाई बहुत पुरानी चीज नहीं है ये, इसी महीने जून के महीने में मैंने फाउंडेशन इंजीनियरिंग आपको पढ़ाया हुआ है पूरा। डेट वॉज वॉट, तरदागी के हिसाब से तो 5.7 सी होता है, लेकिन इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि एनसी की वैल्यू आप 5.14 यूज करेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा 5.14 सी प्लस गामा टाइम्स डीएफ। ये फॉर्मूला पढ़ते थे टू कैलकुलेट द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने का यही ना फॉर्मूला था। तरदागी ने 5.7 बोला था एनसी की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में ये 5.14 बोल रहा है, तो 5.14 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो गामा डीएफ होता था, दिस वॉज द टर्म एसोसिएटेड विद द ओवरबर्डन प्रेशर। ये जो टर्म होता था, दिस वॉज द टर्म एसोसिएटेड विद द ओवरबर्डन प्रेशर, मतलब इस फुटिंग के ऊपर की ये जो मिट्टी है उससे एसोसिएटेड होता था, और उस मिट्टी में तो पानी आ चुका है, उस मिट्टी पे तो वाटर टेबल आ चुका है। मतलब आपका ये वाला जो टर्म है गामा टाइम्स डीएफ, दैट विल बी अफेक्टेड बाय द वाटर टेबल, ये वाटर टेबल से अफेक्टेड होगा। और सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी वाटर टेबल से? भाई डीएफ थोड़ी अफेक्ट होगा ना, डीएफ इज द डेप्थ ऑफ द फुटिंग, ये थोड़ी अफेक्ट होने वाला है, डेप्थ ऑफ द फुटिंग थोड़ी अफेक्ट होगा, अफेक्ट होगा गामा। गामा को आपको चेंज करना पड़ेगा, कितना हो जाता है भाई नया गामा? याद करो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ न्यू गामा, दैट विल बी इक्वल टू, सपोज करिए वाटर टेबल जेड मीटर की डेप्थ पे है, तो गामा इंटू जेड प्लस गामा डैश इंटू डी एफ माइनस जेड टोटल डिवाइडेड बाय डीएफ। ये पढ़ते थे भाई, गामा इंटू जेड प्लस गामा डैश इंटू डी एफ माइनस जेड अपॉन डी एफ, ये नया गामा हो जाएगा। ये पुटअप कर दो, आंसर निकाल लो। गामा कितना दे रखा है भाई? 20। जेड कितना है? 1। गामा डैश कितना हो जाएगा? गामा डैश विल बी गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सेचुरेटेड 20 है, गामा डब्ल्यू को 10 मान ले रहा हूं, तो इट विल बी 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो 20 इंटू 1 प्लस गामा डैश की जगह पे 10 इंटू डी एफ माइनस जेड। डी एफ है 1.5, जेड है 1, डिवाइडेड बाय डी एफ दैट इज 1.5, खत्म। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 प्लस 5 अपॉन 1.5, 25 अपॉन 1.5, मतलब 16.67, ये नया गामा आ जाएगा आपके पास। दिस विल बी योर न्यू गामा, बस पुटअप कर दीजिए अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है? क्यू यू इज इक्वल टू 5.14 सी, गामा की जगह पे अब हो गया है गामा न्यू इंटू डी एफ, तो इट विल बी 5.14। सी की वैल्यू 40 दे रखी थी, गामा न्यू आया है 16.66 और डी एफ है 1.5। निकाल लो भाई कितना आ रहा है ये, 5.14 इंटू 40 प्लस 25, 230.6। दिस विल बी योर आंसर। किए हुए हैं ऐसे सवाल हमने। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विल बी 230.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। देखिए अब एक्चुअल में, अगर आप एक्चुअल में इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हैं 18 तारीख को कि 17 को है, जब भी है ये कमिंग संडे को, तो अब कोई नई भी चीज, नई चीज पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। द ओनली थिंग इज यू नीड टू रिवाइज द थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। जो पुरानी चीजें आपने पढ़ रखी हैं उनको फटाफट रिवाइज करिए, कोई नया कंसेप्ट या कोई नई थियोरी अब मत पढ़िएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। जितना पढ़े हैं उसको कंसोलिडेट करें, उसको रिवाइज करें, लास्ट टाइम रिविजन करें चीजों का, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे किया गया रिविजन बहुत ज्यादा काम देता है किसी भी एग्जाम में। तो ये सेशन नो डाउट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे आप कुछ नया गेन करने के बजाय पुरानी चीजों को अगर रिवाइज कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन अगर आप इस सेशन से कुछ नया सीखना चाह रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा आज की डेट में आपके लिए, बिकॉज अगले 5 दिन बाद आपकी परीक्षा है।
द सेटलमेंट ड्यू टू सेकेंडरी कंप्रेशन इज प्रीडोमिनेंट इन, सेकेंडरी कंप्रेशन किस सॉइल में होता है भाई? सेकेंडरी कंप्रेशन किस टाइप की सॉइल में होता है? ग्रैनुलर सॉइल में कभी नहीं हो सकता सेकेंडरी कंप्रेशन, वो तो इनिशियल कंप्रेशन में ही खत्म हो जाता है। इनऑर्गेनिक क्ले के अंदर में सेकेंडरी कंप्रेशन होता नहीं है। फाइन सैंड और सिल्ट के अंदर में सेकेंडरी कंप्रेशन नहीं होगा, सिर्फ इनिशियल कंप्रेशन होता है। याद रखिएगा, द सेकेंडरी कंप्रेशन ऑलवेज ऑकर्स इन अ हाई प्लास्टिक सॉइल, इन अ हाई प्लास्टिक क्ले, या फिर हाई ऑर्गेनिक क्ले। इसके अलावा और किसी भी सॉइल में सेकेंडरी कंप्रेशन नहीं होता। द सेकेंडरी कंप्रेशन ऑलवेज ऑकर्स इन केस ऑफ अ हाई प्लास्टिक क्ले या फिर हाई ऑर्गेनिक क्ले, अदरवाइज सेकेंडरी कंप्रेशन तक ग्रैनुलर सॉइल नहीं पहुंच पाती है। द स्किन फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस ऑफ अ पाइल इन सैंड डज नॉट डिपेंड ऑन, स्किन फ्रिक्शन कैसे निकालते थे पाइल के केस में? द स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी वॉज इक्वल टू क्यू एस इंटू ए एस। स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी भाई हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो पाइल आपकी है, पाइल की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, दिस लोड कैरिंग कैपेसिटी इज जनरेटेड ड्यू टू द एंड बियरिंग एक्शन एज वेल एज द साइड फ्रिक्शन। साइड से जो रेसिस्टेंस मिलता है और नीचे से जो रेसिस्टेंस मिलता है उसी के बेस पे ये पाइल आपका लोड कैरी करती थी। दिस इज योर साइड रेसिस्टेंस एंड ये जो नीचे है दिस इज योर एंड बियरिंग एक्शन। तो द टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल इज ड्यू टू द साइड रेसिस्टेंस एज वेल एज द एंड बियरिंग एक्शन। तो टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी आप कैसे लिखते थे? लोड कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू एंड बियरिंग एक्शन प्लस लोड कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू साइड फ्रिक्शन। एंड बियरिंग एक्शन के कारण बनता था 9 टाइम्स C इंटू बेस एरिया प्लस QSF बनता है आपका QS इंटू AS। अब QS की वैल्यू कैसे निकाली जाए? हमको यही तो निकालना है, इसकी बात वो कर रहा है। अगर बात करी जाए ग्रैनुलर सॉइल की, मतलब सैंड के लिए, कैसे निकालते हो भाई ये QS की वैल्यू? अर्थ प्रेशर का कंसेप्ट आता है, हाफ के गामा एल टेन डेल्टा, यही तो होता था QS। पूरा निकलवाया मैंने कि नहीं, याद करिए। एक एक केस वाटर टेबल का भी इफेक्ट मैंने बताया था इसमें, ये के गामा एल टेन डेल्टा कैसे आता है ये भी वहां पर समझाया था मैंने आपको अपनी क्लास में। सो फॉर द ग्रैनुलर सॉइल द साइड रेसिस्टेंस बियरिंग कैपेसिटी इज हाफ के गामा एल टेन डेल्टा, ये बकायदा डिराइव करके बताया हुआ है मैंने। कैसे होता था ये देख लो भाई जरा, ये आपकी पाइल है सपोज करिए, दिस इज योर पाइल। अगर मैं इसमें अर्थ प्रेशर की बात करूं तो अर्थ प्रेशर वेरिएशन कुछ ऐसा बनेगा, यहां पे रहेगा जीरो, पाइल की लेंथ अगर एल है तो यहां पर हो जाएगा के गामा एल, यहां पे जीरो, यहां पे हो जाएगा के गामा एल। ये लग कहाँ रहा होगा? ये पाइल के पूरे सरफेस एरिया पे लग रहा होगा ना, ये रिटेनिंग वॉल नहीं है भैया, ये पाइल है तो मिट्टी चारों तरफ होगी इसके, तो ये जो साइड रेस, ये जो अर्थ प्रेशर है ये तो चारों तरफ लग रहा होगा ना, तो अर्थ प्रेशर फोर्स कितना हो गया? इसका एवरेज, एवरेज कितना हो जाएगा? जीरो प्लस के गामा एल बाय टू, दिस इज द एवरेज। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पाइल एंड द सॉइल टेन डेल्टा, ये हो गया आपका बियरिंग कैपेसिटी और इसको सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू एस, दैट इज द लोड सबटेंडेड ड्यू टू दी साइड रेसिस्टेंस, इट इज हाफ के एल गामा इंटू टेन डेल्टा इंटू ए एस, यही फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। सो पूछ रहा है स्किन फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है? लेटरल अर्थ प्रेशर कोफिशियंट कर रहा है, के पे डिपेंड कर रहा है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पाइल एंड सॉइल कर रहा है डेल्टा पे डिपेंड। पाइल मटेरियल बिल्कुल करेगा, क्योंकि पाइल का मटेरियल ही तो डिफाइन करेगा कि पाइल और सॉइल के बीच में कितना एंगल होना चाहिए फ्रिक्शन का, पाइल मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, टोटल स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रैनुलर सॉइल के केस में ये जो आपने वैल्यू निकाली है दैट डिपेंड्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस।
ग्रैनुलर सॉइल के केस में इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, और क्ले के केस में इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ टोटल स्ट्रेस। ये सारी बातें डिटेल में पढ़ी हुई हैं। और प्लीज आप लोगों से एक और चीज बोल रहा हूं, अगर ये चीजें आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्लीज घबराइएगा मत, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो आपसे। आपने जो चीज पढ़ी है उसमें कॉन्फिडेंट रहें और उस चीज का कॉन्फिडेंस लेके एग्जाम में देने जाएं, उस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाएं। जो चीज नहीं बनती है उस पे घबराइएगा नहीं प्लीज, क्योंकि जनरली हमारी साइकोलॉजी क्या होती है कि जो चीज नहीं बनती है हमसे, हमको हमेशा लगता है कि वही पूछ लिया जाएगा। हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो सारे वही होंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। दो चार पांच 10 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कहीं ना कहीं, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपने अपने ड्यूरेशन में, पढ़ाई की ड्यूरेशन में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो जो चीज नहीं बनती है उस पे रिग्रेट मत करिएगा अब, ठीक है ना, ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये सेशन में मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं कि सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, और इसीलिए मैं कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट बता भी नहीं रहा हूं यहाँ पे। मैं सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को एक फंडामेंटल रिवाइज करवा दे रहा हूँ, बाकी डेरिवेशन वगैरह मैं नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पे। अदरवाइज अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं ईएससी के तो, और अगर आपको ये बनता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं बनता है और अगर मैं डेरिवेशन कराने बैठ जाऊं तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा आप लोगों का, दैट इज द मेन थिंग। इसलिए मैं ये सब चीजें डिटेल में नहीं बता रहा हूं आपको यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन, द एक्सकवेशन इज मेड विद अ वर्टिकल फेस इन क्ले विच हैज सी इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड यूनिट वेट एज 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर SN इज 0.261। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द स्टेबल एक्सकवेशन, कैसे करते थे भाई, टेलर स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला पढ़ते थे कुछ ऐसा, एक या तो ऐसा फॉर्मूला रहता था या फिर इसी को ऐसा भी लिखा जाता है, सॉरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हटा देंगे तो क्रिटिकल हाइट ले लेंगे, एक ही चीज है ना दोनों फॉर्मूला, वेयर एफ इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दो फॉर्मूले से आप कोई सभी फॉर्मूला यूज करिए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम डेप्थ मतलब एच सी की वैल्यू पूछ रहा है, एस एन की वैल्यू दे रखी है 0.261, सी की वैल्यू दे रखी है 50, गामा दे रखा है 18 इंटू एच सी, निकाल लो। द वैल्यू ऑफ एच सी विल बी 50/18 इंटू 0.261, इट विल गिव यू द आंसर 50/18 इंटू 0.261, दैट इज 10.64, आंसर विल बी ए। ये टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए थे वाटर रिसोर्स और सॉइल मैकेनिक्स से 2019 की ईएसी में। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब अपूर्व सर आपको टेक ओवर करेंगे टू डिस्कस द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस फ्रॉम गेट ईएसी 2019, 2019 के एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के जो सवाल होंगे अब 1 बजे से अपूर्व सर आपको डील करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं तो आप सभी को ऑल द बेस्ट है, अच्छे से दीजिए, लास्ट मोमेंट पे सिर्फ चीजों को रिवाइज करिए और सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़िएगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, सिर्फ उन्हीं चीजों को रिवाइज करिए, नई चीज पर हाथ डालने की कोशिश मत करिएगा। अगर नई चीज में हाथ डालेंगे तो उलझ जाएंगे, उसी में उलझ जाएंगे और जो चीज आती है उसको भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे आप प्रॉपरली। तो प्लीज पुरानी चीजों को स्टिक करिए, पुरानी चीजों से स्टिक करिए, अगले 5 दिन सिर्फ जो चीज आपने पढ़ी है उनको रिवाइज करिए, फॉर्मूले लिखिए, फॉर्मूले देखिए, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अटेम्प्ट अब अगर आप चाहें तो ना करें, आखिरी के 5 दिन में क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा जोर मत दीजिए, चीजों को सिर्फ रिवाइज करिए। अब रिवाइज करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आपके पास नोट्स हैं आप नोट्स को फटाफट पलटाते जाएं, या फिर दूसरा तरीका है कि उन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कई बार एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि मान लीजिए हम 20 सवाल लेके बैठे हैं, 15 तो बन गए हमको लेकिन 5 नहीं बने, तो हमारा माइंड ना उस 5 क्वेश्चंस पे अटक जाएगा और उसके कारण हम डीमोटिवेट हो जाएंगे।
इसीलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एग्जाम के आखिरी के 3-4 दिन पहले कोई सवाल अवाल नहीं लगाता था। अपना पुरानी चीजों को, जो अपनी कॉपी आपने बना रखी है, जो नोट्स आपने बना रखे हैं, उसको रिवाइज करिए फटाफट, फॉर्मूले देखिए, इंपॉर्टेंट वन लाइनर कंसेप्ट देखिए, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ अपियर होइए। दिस इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू। ठीक है, और कुछ है तो पूछ लीजिए मुझसे। बाकी डेट इज ऑल फ्रॉम माई साइड आज के लिए। ये स्पेशल सेशन था जस्ट टू डिस्कस दी PYQs ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019, जो कि सॉइल और वाटर रिसोर्स से रिलेटेड थे। बाकी जो मेरा रेगुलर सेशन है वो रात को 8 बजे रहेगा, हाइड्रोलॉजी का जो चल रहा था वो आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, एनी डाउट, कोई डाउट, कोई समस्या? चलिए फिर, आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए अपूर सर से मिले हैं अभी। अपूर सर का सेशन भी वहां पे लाइव हो चुका होगा, 1 बजे से था उनका सेशन। सो यू कैन रेफर टू द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस आल्सो। अपूर सर उस सेशन को अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं।